हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर। तो टुडे आई विल डिस्कस क्लास 9th मोशन चैप्टर 1st फिजिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड्स। हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे फिजिक्स के कुछ चैप्टर, कुछ उसमें टॉपिक थे डिस्कस कर चुके थे। अब दूसरी वीडियो है, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का ही, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताए थे मोशन बता चुके थे। इसमें आप बता दे रहे हैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, टू टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए जो टाइप्स ऑफ मोशन है ना, ये तो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन अब देखिए टू टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट भी लिख देते हैं, इसकी थ्योरी यही बता देंगे आपको, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म, इसमें एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताएंगे, मतलब डिक्लेयर आपको समझा के बता देंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे कि दो दोस्त एक साथ चलते हो, एक ही घर से एक ही साथ एक ही समय पर चलते हो और एक ही साथ स्कूल पर पहुँचते हो। तो देखिए क्या होता है, इनका जो स्पीड एक बराबर है, समय भी एक बराबर ले रहे हैं, ओके। तो जब दोनों एक साथ हों, स्पीड जब डिस्टेंस और टाइम दोनों एक साथ इनका चलता रहे ना, इसे हम लोग कह देंगे यूनिफॉर्म मोशन। कि मतलब इफ़ आ बॉडी एंड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम्स, ओके। इफ़ आ बॉडी इन इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जैसे समय उनका बीत रहा है उसके अनुसार वो समय टाइम, देन इट इज़ सेट टू द यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस हो जाता है, टाइम इक्वल आता है। जैसे कि यहाँ से दोनों दोस्त एक साथ चले, एक आगे पीछे हो गए, एक यहाँ पर आगे पीछे हो गए, ठीक है। इसमें डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, टाइम नहीं होता है, टाइम इक्वल आता है हमेशा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बता दे रहे हैं इफ़ अ बॉडी ट्रेवल इन एन इक्वल न इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड होता है यूनिफॉर्म मोशन, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसमें नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा। इफ अ बॉडी ट्रेवल, या कवर भी लगा सकते हैं, कवर लगा दीजिए, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड्स, ओके। देन लेट स्टार्ट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या होता है इसके बाद, हम लोग पढ़ेंगे एसेलेशन, ठीक है। एसेलेशन किसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आगे भी काम देता है, हाई स्कूल से लेकर मतलब इन प्लस टू तक काम देगा, इसीलिए इसको याद रखिएगा एसेलेशन। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एसेलेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। जो वेलोसिटी होती है ये चेंज होती है उसके अपॉन टाइम में, ओके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज, क्या हो जाएगा, एसरलेशन। ओके, अब देखिए एसरलेशन ये लगता कहाँ पे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जब कोई भी चीज़ अब कोई भी बॉडी को आप प्रेस करते हैं आगे की तरफ, तो इसको जो पीछे से रोकने का काम करता है, इसके ओपोजिट जो फोर्स काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसरलेशन काम करते हैं, ये एसरलेशन हम लोग कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब किसी बॉडी को हम लोग आगे की तरफ इसको प्रेस करते हैं, तो इसको रोकने का जो काम करता है, जो इसको अवरोधक बनता है, मतलब इसको स्टॉप करने का जो काम करता है, इसका जो विपक्षी रहता है, अपोजिट साइड वाला रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसरलेशन कहते हैं। अगर एसरलेशन ना हो तो हम लोग इस कहीं भी चले जाएंगे, एनर्जी ज़्यादा लॉस नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं बहुत ज़्यादा, सॉरी साइकिल चलाते हैं, एनर्जी लॉस होता है, इसको रोकने का जो काम करता है ना, आगे से इसको रोकने का काम करता है, वो एसरलेशन करता है। अगर एसरलेशन ना रहे तो हम लोग एक बराबर आराम से चलते रहेंगे, इसमें कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी चलने में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग आगे आते हैं, आगे बताते हैं मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए मोशन के इक्वेशन जो होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का हम लोग थ्री टाइप इक्वेशन होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स। ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसमें थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट बता दे रहे हैं, फर्स्ट मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, ऑफ मोशन। ये बहुत ही इजी है, सब इजी है, यही नहीं सब इजी है, सब इसी वीडियो में आपको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, बेटर से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, हम बता दे रहे हैं, जो ये लेट, चलिए बता रहे हैं, स्टार्ट या इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट या इनिशियल वेलोसिटी यू, इसको हम लोग मान के लेके चलते हैं, सपोज कर लेते हैं, एंड एंड वेलोसिटी बी कमा टाइम टी एंड एसरलेशन, एसरलेशन स्मॉल ए, देन द फॉर्मूला ऑफ, देन द फॉर्मूला ऑफ एसरलेशन। ओके, जो फॉर्मूला होता है एसरलेशन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसरलेशन का फॉर्मूला लिखे हम, एसरलेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट, इसका जो यूनिट होता है, सॉरी टाइम, यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी याद रखिएगा, सॉरी बताया नहीं आपको, नीचे बता दे रहे हो। ठीक है, तो होता है ए, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। जो देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो बदलती हुई, तो मतलब जो ज़्यादा वेलोसिटी होगी अंत में, जो वेलोसिटी उसको पहले वाले से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वही जो आखिरी एंड वेलोसिटी बी और स्टार्ट वेलोसिटी से हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ए इक्वल टू होता है बी माइनस यू अपॉन टी। ओके, चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। ओके, ये एसरलेशन का होता है, इसका इधर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, यही बचेगा ऊपर वाला, बस यहाँ पे ये बच जाएगा। अब देखिए तब होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधा सही लिख देंगे, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, पूरा इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये माइनस माइनस जब इक्वल किधर जाता है, ध्यान से देखिए, जब माइनस इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, जब प्लस इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, जब मल्टीप्लाई इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और जब डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखिएगा अपने जीवन में, ठीक है। डेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मैथ एंड फिजिक्स एंड अदर टॉप सब्जेक्ट इन विच यूज द मैथ। ओके, तो देखिए वी माइनस यू इक्वल टू 80, तो वी अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो यू प्लस में आ गया, अब प्लस क्या है 80। ये आप लोगों का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है किसका, यही हम लोग का फॉर्मूला है, डेट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, चलिए अब सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड भी आपको साथ साथ में बता दे रहे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिए, इसमें आ जाता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आ जाएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देना पड़ेगा इसमें, इसी से रिलेटेड हम पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देन लिख देंगे इक्वेशन ऑफ, या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए इजी तरीके से हम बताएंगे इसको, इसको भी इजी तरीके से जैसे उसको बताएं इसको भी वही बताएंगे, ठीक है। तो जानते हैं, देन द फॉर्मूला ऑफ क्या होता है, एवरेज स्पीड या एवरेज डिस्टेंस ले लीजिए, उससे भी ये आ जाएगा एवरेज डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है क्या, या स्पीड सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू होता है, या एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू अपॉन टू, जो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो डिस्टेंस होगा उसको एस से लिखते हैं, अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, वही एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज मतलब ये जितना का एवरेज होगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, इनिशियल और एंड पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी और इन इनिशियल स्पीड और एंड स्पीड दोनों ऐड करके अपॉन टू कर देंगे, इक्वल टू ये जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वी प्लस यू इंटू टी इक्वल टू यस अपॉन टू रहेगा यहीं पे। इसको सीधी तरीके से लिखना, देख लीजिए कैसे लिख रहे हैं, तो एस इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू सॉरी इंटू टी, ठीक है। तो एस इक्वल टू यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वी प्लस देखिए वी का जो वैल्यू है ऊपर हम आप लोगों को इक्वेशन फर्स्ट में हम आपको बताए हैं, तो वी इक्वल टू होता है यू प्लस 80, क्या होता है यू प्लस 80, ये वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट से है, तो वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एस इक्वल टू हो जाएगा वी की वैल्यू जब पुट करेंगे यू प्लस 80, अब प्लस एक और यू है ना यहाँ पे, सॉरी इसी में आ जाएगा, देखिए इसी में आ जाएगा, इसको ब्रैकेट हटा लेंगे, जो भी बी की जब ये वैल्यू पुट कर दिए प्लस यू है तो प्लस यू, बाहर टी है तो टी, अब देखिए अपॉन क्या है टू हो जाएगा, तो हो जाएगा एस इक्वल टू देखिए यू प्लस यू, पहले पूरा क्लियर लिख दे रहे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ थी यू टी प्लस ये टी का स्क्वायर, क्योंकि टी का टी में कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, टी का इसमें कि यू में तो यू टी हुआ है, टी का टी में कर देंगे टी स्क्वायर, फिर टी का यू में करेंगे तो यू टी अपॉन टू। ओके, अब देखिए इसमें इस साइड आपको बता दे रहे, ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा एस इक्वल टू जो यू टी और यू टी, तो क्या होगा टू यू टी होगा, दो हो कि नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो टू हो जाएगा, अब प्लस 80 स्क्वायर है तो प्लस 80 स्क्वायर अपॉन टू, ये जो टू है इसके भी बटे है इसके भी बटे है, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो होगा एस इक्वल टू टू यू टी अपॉन टू, फिर बीच में प्लस 80 स्क्वायर अपॉन टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस, इसको हम लिख सकते हैं हाफ
80 स्क्वायर, ये हम लोग का क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन होता है। आई होप अंडरस्टैंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जहाँ तक समझ रहे हैं। ओके देखिए यहाँ पे यस इक्वल टू 2 से 2 काट दिए तो यू टी बचाया प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन 2 को 1/2 पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, यही आ जाएगा। ठीक है, डेट इज प्रूफ। ओके आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें। अब जो थर्ड इसका इक्वेशन है, हम लोग अगली वीडियो में लाएंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन भी करके बता देंगे।